जी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था और उसमें हमने कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे और उसमें हमने लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस जो हैं वो कर लिए थे, सॉरी मटेरियल और लेबर के। अच्छा, हसान साहब चाह रहे हैं कि प्रोसेस की एग्जांपल नंबर 9। एक सेकंड जी, होल्ड कीजिएगा, ये कल भी ये मामला यहाँ पे रुक गया था। ये नोट्स में है ना एग्जाम्पल आसान? अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये हसान साहब चाह रहे थे कि करवा दूं मैं प्रोसेस की। एग्जाम्पल नंबर 7 है जी, सब लोग देख लें। इसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी ऑपरेट्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूजिंग द फाइफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नो लॉसेस अकर इन द प्रोसेस, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू लास्ट मंथ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट्स है, 60% इस पे कंप्लीशन होगी हुई है और उस 60% की वैल्यू हमारे पास 680 है। 60% कंप्लीशन की वैल्यू 680 है। कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो 900 है, जिसके अंदर ये 100 शामिल है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स शामिल है। और 150 यूनिट्स का क्लोजिंग है जो कि 48% कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब वो क्या, और इसने कॉस्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन में आपको बता दी है, वो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ₹12 पर यूनिट है। हमें आउटपुट की वैल्यू बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो 900 है। अब 900 यूनिट्स में कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका हुआ है। 900 यूनिट्स के दो पार्ट्स हैं, एक है 100 यूनिट्स यानी कि जो आपका ओपनिंग है, ओपनिंग WIP, और दूसरे हैं इसमें आपके 800 यूनिट्स जिसको हम कहते हैं स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, जो इसी पीरियड में इनपुट हुए और इसी पीरियड में कंप्लीट हो गए। अच्छा, आप एग्जांपल नंबर 9 चाह रहे हैं, सॉरी मैंने 7 करा, चले इसको भी अब देख लें, मैंने शुरू तो कराई दी है। अब इन 100 यूनिट्स पे ऑलरेडी जो खर्चा है वो 680 हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पे अभी बकाया 40% काम रहता है। वो जो 40% काम इस पीरियड में कंप्लीट हुआ है उसकी कॉस्टिंग एट द रेट 12 होगी, उसकी वैल्यू 12 के रेट पे चार्ज होगी। हाँ जी, 100 का 40 लें, 40% और इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 480। अब जो कंप्लीशन इस पीरियड में हुई है उसकी वैल्यू हम 12 के रेट पे चार्ज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 9600 रुपीस।
9600 रुपीज। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम इन सब वैल्यूज को ऐड कर लें, लाइक ये 680 को, 480 को और 9600 को, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 9 में आप कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या इशू हुआ है जी? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हसान साहब, इसमें ये जो हमारी 1 लाख की हमारी नेट ज्वाइंट कॉस्ट बन रही है, ये 1 लाख है जिसकी हमने क्या करनी है, अपोर्शनमेंट करनी है, यानी कि ये हमारी नेट ज्वाइंट कॉस्ट है 1 लाख। नेट ज्वाइंट कॉस्ट क्या है हमारी? वन लैख। अब इसको हमने अपोर्शन करना है यूजिंग ईच मेथड। अब जब हम लेंगे फिजिकल मेजरमेंट मेथड, तो हम लोग ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे बेस इंफॉर्मेशन के लिए। फिजिकल मेजरमेंट मेथड के लिए हम इसको बेस लेंगे, यानी कि ये हमारी टोटल बेस है। अब मैंने ए का शेयर निकालना, तो क्या करूंगा, तो ए के यूनिट्स 500 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 1500 इनटू 1 लाख। तो ये वैल्यू आएगी पेंटा 3। इसी तरह बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो बी के यूनिट्स 1000 डिवाइडेड बाय टोटल 1500 इनटू रुपीस। ये वैल्यू आती है। अब जब हम इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, इसको इसके 500 यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दें और इसको इसके 1000 यूनिट से डिवाइड कर दें, इसकी कॉस्ट पर यूनिट बनेगी 66.7 और इसकी भी 66.67 पर यूनिट आएगी। ये फिजिकल मेजरमेंट मेथड। जब हम लोग बेस लेंगे सेल्स रेवेन्यू को, उसके लिए रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। 500 × 10 = 5000, 1000 × 7 = 7000, मतलब हमारी टोटल बेस बन गई 12000। अब सेल्स वैल्यू मेथड को इस पे करेंगे, इसमें हम पहले करेंगे ए को, ए का रेवेन्यू 5000 डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू 12000 इनटू रुपीस 1 लाख। तो कितनी आती जी वैल्यू? इसी तरह बी, बी का रेवेन्यू 7000 शाबाश जाए साहब, इसको डिवाइड करेंगे 500 यूनिट से,
कॉस्ट पर यूनिट हमारी बन गई 83 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आ गया 58.33। अब जब हम एनआरवी को बेस लेंगे तो एनआरवी को बेस पे क्या होगा, 5000 माइनस 0, इसकी ए की एनआरवी 5000 और बी की एनआरवी 6000 हो जाएगी, 7000 में से 1000 लेस करके। अब हमारी टोटल बेस 11000 है। अब इसमें हम बेस लेंगे से एनआरवी मेथड से जब करेंगे, ए के लिए क्या करेंगे, फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय टोटल बेस 11000। क्या ये वैल्यू, और इसी तरह जब बी का शेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाय टोटल 11000। इसको डिवाइड कर दें पर यूनिट निकालने के लिए 500 यूनिट्स, तो 45. हाँ जी 90. कितनी, 90. कितनी थी, 10 इसकी पर यूनिट साथ में। अच्छा जी, कमिंग बैक टू टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आ जाएं वापस सब लोग जरा। वेरिएंस एनालिसिस, अच्छा वेरिएंस एनालिसिस में अब जो चीज हम शुरू करने जा रहे हैं डेट इज द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में क्या होता है कि एक टोटल वेरिएंस है और टोटल वेरिएंस के अंडर दो आते हैं, एक आता है एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, यानी कि इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स में ओवरहेड के वेरिएंसेस में हमारे पास तीन वेरिएंसेस हैं, एक टोटल है, टोटल के अंडर एक्सपेंडिचर जिसको हम रेट वेरिएंस भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर या रेट वेरिएंस भी इसको कहा जाता है, और दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये इसमें हमने वेरिएंसेस निकाल लिए। तो सबसे पहले इसका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का टोटल वेरिएंस आएगा, फिर उसके बाद ये एक्सपेंडिचर, और फिर लास्ट में इसका
एफिशिएंसी वेरिएंस। ये एग्जांपल है जी, एग्जांपल पर जरा जल्दी से आइएगा। इसमें ये इसने हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है, अब इसमें से ये वाला जो है ये इसकी एफिशिएंसी के लिए, ये इसके एक्सपेंडिचर के लिए और ये इसके टोटल के लिए। ये वेरिएंस है डेटा स्टैंडर्ड इस तरह से। वो कहता है कि जी एक्चुअल आउटपुट डेटा, एक्चुअल डेटा में आपके पास जो एक्चुअल आउटपुट है वो 200 यूनिट्स की है, आर स्पीड 1000 है जिसमें से 150 का आइडल टाइम है। आइडल टाइम कितना है जी? 150। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 150 आवर्स का आइडल टाइम है तो इट मींस के आवर्स वर्कड जो है वो फिर 850 आवर्स है। आवर्स वर्क कितने है? 850। आवर्स वर्क कितने है? 850। ये जी मैंने स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज किया है, अब ये बैलेंस्ड है। तो आर्स वर्क जो है वो कितने हैं? 850 आर्स हैं। आर्स वर्क कितने हैं? 850। अच्छा, अब इसमें जी क्या कहता है कि जी आपका एक्चुअल ओवरहेड जो लगे हैं वो 1950 रुपीस के लगे हैं। अब इसको शुरू करते हैं इसके टोटल वेरिएंस से। टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 200 यूनिट्स इनटू और कॉस्ट पर यूनिट है इसमें हमारे पास 8 पर यूनिट। जी क्या वैल्यू आ रही है? ये 1600। वैल्यू कितनी आ रही है? 1600। जबकि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 1950 के। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के हैं? 1950 के। तो 350 से क्या हो गया, ये अंडर या ओवर? सॉरी, एडवर्स है ये, फेवरेबल है ये, एडवर्स है। 350 से ये क्या है? एडवर्स।
अब इसके बाद है इसका एक्सपेंडिचर वेरियंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। अब एक्चुअल आवर्स वर्क्ड जो है वो 850 आवर्स है, और पर आवर रेट उसने हमें दिया हुआ है 2 पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉस्ट बन जाती है 1700, जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 1950 के। तो 250 से ये क्या हो जाता है, एडवर्स वेरियंस। 250 से क्या बन गया, एडवर्स वेरियंस। अब नेक्स्ट है इसका जी एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है हमारे पास 200 यूनिट्स की, और एक यूनिट पे 4 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 आवर्स तो इसी पे लग जाएंगे, जबकि एक्चुअल आवर्स वर्क हमारे पास है कितने, 850 hours. तो इसका मतलब है कि जो काम हमें 8 hours में करना चाहिए था वो हमने 850 hours में किया, multiply by per hour rate इसका कितना है। तो ये variance हमारा 100 rupees से 100 rupees से adverse। हमजा ये हमारे उसमें गिवन था ना स्टैंडर्ड में, एक यूनिट पे 4 आवर्स लगते हैं, एक यूनिट पे 4 आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड था उसमें गिवन था 4 आवर्स एट द रेट 2 रुपीस पर आवर इक्वल टू 8 रुपीस पर यूनिट। नोट्स 2 का क्या मतलब है, एग्जाम्पल 2 के है ना, नोट्स 2 तो नहीं होता, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं। पहले ये मुझे बताएं, जाहिर साहब देखें उसको पेमेंट हो रही थी 1000 आवर्स की। अब 1000 में से 150 उसके आइडल टाइम आवर्स हैं, तो इसका मतलब फिर आवर्स वर्क्ड जो है वो फिर 850 हुए। आवर्स वर्क्ड जो है वो 850 आवर्स होंगे ना, जी हमजा ओके हो गया आपको। अब इसमें भी अगेन वही नोट है, नेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। Must be equal to total variance. ये याद रखिएगा, ये अब आपका होमवर्क है जी, ये आप लोगों ने करके आना है। अब हम शुरू कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे पहले आते हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस निकालेंगे।
फिक्स्ड ओवरहेड में हम ओएआर निकालते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, इसमें हमारे पास वेरिएंसेस आ जाते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है, वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है, वॉल्यूम एफिशिएंसी है, वॉल्यूम कैपेसिटी है। असल में इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारा एक टोटल वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल वेरिएंस में दो आते हैं, एक आता है एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में फिर फर्दर दो होते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी। इस तरह से इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमारे टोटल पांच वेरिएंसेस हैं। एक टोटल का वेरिएंस है, टोटल को आगे सेपरेट किया जाता है एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में, वॉल्यूम को फिर आगे सेपरेट करते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा या भी हम कैलकुलेट भी करेंगे कैसे निकलता है, फिर वॉल्यूम वेरिएंस है, फिर वॉल्यूम में वॉल्यूम एफिशिएंसी है और वॉल्यूम कैपेसिटी। अच्छा जी, अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये एक एग्जांपल है। अच्छा मेरी एक बात सुने, ये इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको जो डाटा है वो इस तरह से बता दिया, बजाय स्टैंडर्ड देने के इस तरह से ये बजटेड डाटा आपको मैंने लिखकर दे दिया। यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टैंडर्ड नहीं बताया, मैंने आपको बजटेड डाटा दे दिया। अच्छा ये सिचुएशन इस तरह से खाली फिक्स्ड ओवरहेड में नहीं होती, आपके वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल के वेरिएंस में, लेबर के वेरिएंस में, उनमें भी आ सकता है कि मतलब बजाय वो स्टैंडर्ड देने के क्या कर दे, बजटेड डाटा दे दे। तो फिर उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पहले इस डाटा को यूज करके पहले स्टैंडर्ड ड्राइव करना पड़ता है, स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। वंस जब स्टैंडर्ड निकल आता है, स्टैंडर्ड कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड हम निकालेंगे बजटेड डेटा से, बजटेड इंफॉर्मेशन से हम स्टैंडर्ड निकालेंगे, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड निकाल लेंगे उसके बाद फिर हम ये वेरिएंस निकाल लेंगे। आप पहला काम तो ये करें कि इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए आप लोगों ने इसकी पिक्चर ले ली है। जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने पिक्चर ले ली क्वेश्चन की। ओके अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है, ये हमें पहले इसमें कैलकुलेट करना है। इसमें हमें पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कैसे निकलेगा, बजटेड टाइम बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। अब बजटेड आवर्स हैं हमारे पास कितने, 20,000 आवर्स। डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट आपके पास आ रही है 10,000 यूनिट्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आवर्स पर यूनिट, यानी कि हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाल दिया 2 आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट चीज हमने निकालनी है ओएआर पर आर, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर निकालना। हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं 60,000 रुपीज के, डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स हैं 20,000 आवर्स। तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा 3 पर आवर। देन ओएआर पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड्स हैं हमारे पास 60,000 के, डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 10,000 यूनिट्स। तो हमारा ओआर बन जाता है $6 पर यूनिट। इसका मतलब हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बना 2 आवर्स एट द रेट ₹6 पर आर इक्वल है ₹3 पर आर इक्वल है 6 पर यूनिट के। ये हमारा इसमें जो है वो स्टैंडर्ड कैलकुलेट हुआ। ये हमारा क्या निकल आया, स्टैंडर्ड। ये हमने क्या निकाल दिया, स्टैंडर्ड। जी स्टूडेंट्स इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड गिवन नहीं था तो हमने पहले बजटेड डेटा से स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया। जी जब भी किसी भी वेरिएंस में किसी भी चीज का अगर हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, अगर उसके अंदर हमें स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ तो बजटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ऐसा करवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके फिक्स ओवरहेड्स में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स में होगा, मतलब ये कि ये आपके मटीरियल में भी इस तरह डेटा आ सकता है, लेबर में भी आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी आ सकता है। तो हम स्टैंडर्ड जब भी निकालेंगे वो निकालेंगे बजटेड डेटा से।
स्टैंडर्ड जब भी कैलकुलेट होगा तो वो बजटेड डाटा से कैलकुलेट होगा। हाँ जी, इसकी पिक्चर ले ली आप लोगों ने, क्योंकि इसके बाद मैं आप क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। ओके हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल का वेरियंस क्या है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 12,000 यूनिट्स। इनटू ओआर है हमारे पास 6 पर यूनिट, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 72,000, जबकि हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 73,550 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,550 से ये वेरियंस हमारा क्या हो गया, एडवर्स हो। इंपॉर्टेंटली ये जो हमारा वेरियंस है ये एग्जैक्टली टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस इज द सेम कैलकुलेशन एज वी डू इन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये एग्जैक्टली वही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये जो इसमें हमारे पास वेरियंस निकल रहा है, इसको या तो ये वेरियंस अंडर होगा या फिर ये वेरियंस क्या होगा, ओवर एब्जॉर्ब हम इसको कह सकते। अब अंडर ओवर में हमें एडवर्स फेवरेबल कैसे पता चलेगा, अगर अंडर है तो इट इज एडवर्स, अगर फेवरेबल है तो इट इज ओवर, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इनकम होती है। ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो इसका मतलब है कि फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो इसका मतलब है कि ये एडवर्स वेरिएंस है। अब इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पास जो है वो 60,000 रुपीज, जबकि एक्चुअल हमारे 73,000, इसका मतलब ये हुआ कि 13,550 से ये वेरियंस हमारा क्या हो गया, एडवर्स हो गया। ये वेरियंस हमारा 13,550 से क्या हो गया, एडवर्स। ये वेरियंस हमारा 13,550 से क्या हो गया, एडवर्स हो गया। जी इज डेट क्लियर। अच्छा, इसके हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट बात, only fixed overhead expenditure variance is considered मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंसीडर होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंसीडर होता है, यानी कि बाकी कोई भी वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर के अलावा कोई वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पर्पस के लिए
हम फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरियंस ट्रीट करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स का वॉल्यूम वेरियंस में बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन हमारा प्लान था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाए लेकिन हमने बना लिए 12,000 यूनिट्स। तो ये फायदे की बात हुई कि हमने 2,000 यूनिट्स क्या कर लिए, ज्यादा बना लिए। अब ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि अमाउंट में कितना पड़ता है। तो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो पर यूनिट है वो है रुपीज 6 पर यूनिट। तो इसका हमें जो अमाउंट में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 12,000 रुपीज से फेवरेबल। अब यहाँ पे एक बात ये सुने नेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरियंस, must be equal to the total variance. Expenditure और volume variance का जो net है वो total variance के बराबर होना चाहिए। अब volume variance अगर हमारा favorable आ रहा है तो उसके favorable आने की भी दो वजह हैं। या तो एक possible factor है volume capacity, यानी कि हमने अपनी लेबर की कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज कर ली। एक पॉसिबल रीजन क्या है कि हमने अपनी लेबर की कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज कर ली है, ये एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा प्लान था कि हम अपनी लेबर से 20,000 आवर्स काम करवाएंगे। अब देखना ये कि हमने कितने आवर्स काम करवाया, हमने काम करवाया 23,500 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3500 आवर्स से क्या हो गया, फेवरेबल। यानी कि हमारा प्लान ये था कि हम अपनी लेबर से काम लेंगे कितना, 20,000 घंटे, लेकिन हमारी लेबर ने काम कितना कर दिया, 23,500। इसका मतलब है कि हमने अपनी लेबर की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज की है, तो ये एक फेवरेबल साइन है। हमने अपनी लेबर की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर ली तो ये हमारे लिए क्या है, एक फेवरेबल साइन है कि हमने अपनी लेबर की कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज किया। ठीक है, बस स्टूडेंट्स इसको ये कहते हैं कि ये तो रिवर्स होना चाहिए क्योंकि हमारे तो आर्ट ज्यादा लग गए जरूरत है। देखिए यहाँ पे लेबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। भी हमने हमारा प्लान था कि हमारी लेबर मैक्सिमम 20,000 घंटे काम करेगी, लेकिन उसने किया 23,500, यानी कि उसने 3500 आवर्स ज्यादा काम कर लिया। तो ये फायदे की बात, यानी कि हमने उनकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा काम ले लिया, तो इसमें हमें फायदा हुआ है। उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10,500 ही हमारे पास निकला है। अब हमने इसका निकालना है एफिशिएंसी वेरिएंस। जी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने एडवर्स लिख दिया जबकि फेवरेबल होना चाहिए। और भी मैं फेवरेबल रहा हूँ, लिख मैं एडवर्स रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैंने ना असल में मेडिसिन ली हुई आज, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना वो क्या कहूँ मैं इसको, विनोद की टाइप है। ये फेवरेबल है जी। अब है वॉल्यूम एफिशिएंसी। अब वॉल्यूम एफिशिएंसी में क्या होगा, वॉल्यूम एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट थी हमारे पास 12,000 यूनिट्स की, इनटू 2 आवर्स, एक यूनिट पे 2 आवर्स का टाइम जो है वो हमें लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमें कितने आवर्स में ये काम करना चाहिए था, यानी कि हम इस काम को कितने आवर्स में कर सकते थे, 24,000 आवर्स में कर सकते, लेकिन हमने इस काम को कंप्लीट किया 23,500 आवर्स। हमने इस काम को कितनी देर में कंप्लीट किया, 23,500। इसका मतलब है कि 500 आवर्स से हमें फायदा हुआ, 500 आवर्स हमने कम लगाए, ये फेवरेबल हो गया। मल्टीप्लाई बाय रुपीज 3 पर आवर,
तो ये कितना हो जाएगा 1500 से फेवरेबल। यहां पर भी एक नोट याद कर लें, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस का जो नेट है वो वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस का जो नेट है उसको टोटल वेरिएंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ना सिर्फ 5 मिनट्स ब्रेक ले रहा हूँ फॉर प्रेयर्स, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? तो उस ब्रेक के बाद फिर मैं आपको सेल्स का जो वेरियंस है वो करवाऊंगा। जस्ट फाइव मिनट्स। ओवरहेड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, बाकी कोई वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का नहीं आएगा। यानी कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड ओवरहेड के ये पांचों वेरिएंसेस आते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरियंस आता है, यानी कि मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड में कोई इशू नहीं है। वो सारे वेरिएंसेस अब्सॉर्प्शन में भी आएंगे और वो सारे वेरिएंसेस अब्सॉर्प्शन में भी आएंगे और वो सारे के सारे वेरिएंसेस मार्जिनल में भी आएंगे, लेकिन जो फिक्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो अब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड के पांचों वेरिएंसेस आएंगे, यानी कि टोटल भी आएगा, एक्सपेंडिचर भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा, कैपेसिटी भी आएगा, एफिशिएंसी भी आएगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जो बाकी वेरिएंसेस हैं फिक्स्ड ओवरहेड के उनके अंदर ओएआर यूज होता है। बाकी तीनों वेरिएंसेस में क्या होता है? ओएआर यूज होता है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ओएआर नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम अपनी एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं, तो इस वजह से जो फिक्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस है उसमें चूंकि ओएआर नहीं होता इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस ट्रीट होता है, बाकी कोई वेरिएंस नहीं आता, जबकि अब्सॉर्प्शन में सारे के सारे वेरिएंसेस फिक्स्ड ओवरहेड्स के आएंगे। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? ये बात क्लियर है आप सबको? ओके हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से, फिक्स्ड ओवरहेड के हवाले से
कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एग्जांपल नंबर 11 है, 12 है, 13 है, ये आपके होमवर्क में। इसमें इस चार्ट के अंदर भी इसने यही आपको कुछ बताया, जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, इस फ्लो चार्ट में भी इसने यही एक्सप्लेन की हुई। अब आते हैं हम अपने फाइनल वेरिएंस सेल्स वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस एनालिसिस में जी सेल्स का वेरिएंस, सेल्स का वेरिएंस जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल्स में दो वेरिएंसेस हैं। सेल्स के क्या है? दो वेरिएंसेस हैं। एक है इसका प्राइस वेरिएंस और दूसरा इसका वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कि हमारी क्वांटिटी कितनी सेल हुई। अब चूंकि सेलिंग प्राइस और सेल्स का वॉल्यूम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से इसके अंदर हम लोग सेल्स प्राइस के साथ साथ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी निकालते हैं। प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, सबसे पहले सेल्स का प्राइस वेरिएंस, ये हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो हम अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा रेट पे सेल कर रहे हैं या स्टैंडर्ड से कम रेट पे हम सेल कर रहे हैं। अगर तो हम अपनी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा रेट पे सेल करेंगे तो हमारे लिए सेल्स का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होगा। तो हमारे लिए सेल्स का प्राइस वेरिएंस क्या होगा? फेवरेबल होगा। लेकिन अगर हम अपनी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए सेल्स का प्राइस वेरिएंस एडवर्स होगा। यानी कि अगर सेल्स का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है तो उसका मतलब है कि हम अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा रेट पे सेल कर रहे हैं, और अगर कम आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हम अपनी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेट से कम पे सेल कर रहे हैं। फेवरेबल आ रहा है तो ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, एडवर्स आ रहा है तो उसका मतलब है कि स्टैंडर्ड से कम रेट पे सेल किया। सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी जो हमने सेल की है उसकी बात हो रही है। सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस अगर फेवरेबल है, इसका मतलब है कि हमने अपने टारगेट से ज्यादा, अपने बजट से ज्यादा क्वांटिटी सेल कर दी है, और अगर ये एडवर्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने अपने टारगेट या अपने बजट से कम क्वांटिटी सेल की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम और जो प्राइस है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम प्राइस इंक्रीज कर दें, अगर हम क्या करें सेलिंग प्राइस बढ़ा लें, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने से हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि हमारी क्वांटिटी कम सेल होती है, और अगर हम सेलिंग प्राइस कम कर लेते हैं तो फिर हमारी क्वांटिटी ज्यादा सेल होती है। जैसे अक्सर कभी किसी हम देखते हैं कि ब्रांड्स वगैरह के ऊपर ऑफ हो जाता है तो क्वांटिटी ज्यादा सेल होती है नॉर्मल रूटीन से। तो ये हमारा सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स का प्राइस, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, अब ये सेल्स का जो वॉल्यूम वेरिएंस है इज द ओनली वेरिएंस that has different value in absorption and marginal costing. काइंडली आप इसको मत इसके स्क्रीन पे लिखें, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन कॉस्टिंग, यानी कि सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस एक वाहिद वेरिएंस है जिसकी वैल्यू एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट होती, बाकी किसी वेरिएंस की वैल्यू डिफरेंट नहीं होती, वैल्यू सेम होती है, लेकिन सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस वाहिद वेरिएंस है जिसके अंदर जो
हमारी वैल्यू एब्जॉर्प्शन में आ रही होती है वो मार्जिनल की वैल्यू से डिफर कर रही होती है। जो वैल्यू हमारी एब्जॉर्प्शन में आ रही होती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की वैल्यू से डिफरेंट होती है। तो ये सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस वाहिद वेरियंस है जिसमें ये होता है। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है जी स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड इज अब इसके अंदर ये जो है ये आपके वॉल्यूम के लिए है कि हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हमने 100 यूनिट सेल करने, ये हमारा वॉल्यूम टारगेट है और हमने सेल किए 10, ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि सेल्स प्राइस वेरिएंस से ये रिलेट करता है। अब वो कहता है जी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, कहते हैं कि हमें एक यूनिट के ऊपर जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो ₹6 पर यूनिट है और जो हमारी स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट या स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट है वो 7 पर यूनिट है। अब 6 और 7 में फर्क ये है कि 6 में खाली वेरिएबल है, 7 के अंदर 6 भी शामिल है और प्लस ₹1 की फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। अब वो कह रहे जी एक्चुअल डेटा, अच्छा अब ये जो ऊपर हमें इसने एक्चुअल डेटा में कह रहा है कि जी यूनिट सोल्ड कितने हैं हमारे 120 यूनिट्स, यानी कि हमने असल में कितने यूनिट सेल किए 120 यूनिट सेल किए और रेवेन्यू हमें कितना मिला ₹1450 का हमें रेवेन्यू मिला। कैलकुलेट सेल्स वेरियंसेस, कहता है कि जी आप सेल्स के वेरियंसेस निकालें, उसमें सबसे पहले सेल्स का प्राइस वेरियंस, जब हम सेल्स का प्राइस वेरियंस निकाल लेंगे तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड है हमारे पास कितने, एक्चुअल यूनिट सोल्ड है हमारे पास 120 यूनिट्स इनटू इसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, हमने इसको ₹10 के हिसाब से सेल करना है। इसका मतलब है कि अगर हम 10 के रेट में सेल करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू ₹1200 होना चाहिए था, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए था ₹1200, लेकिन हमारा एक्चुअल जो हमें जो एक्चुअल में जो रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है ₹1450। हमारा एक्चुअल रेवेन्यू कितना है ₹1450। इसका मतलब ये हुआ कि 250 से ये वेरियंस हमारा फेवरेबल है, ₹250 से ये वेरियंस हमारा क्या है फेवरेबल, ₹250 से ये वेरियंस हमारा क्या है फेवरेबल आने का मतलब यह है कि हमने ये जो 120 यूनिट्स जो सेल किए हैं ये हमने प्रॉफिट पे सेल किए हैं, ये जो हमने 120 यूनिट सेल किए हैं ये हमने प्रॉफिट पे सेल किए, हमें इसको सेल करने पे फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जी गॉट इट और नॉट, यस और नो, जी हमजा खान कहाँ पे इशू है, देखो हमजा हमें हमने जो 120 यूनिट सेल किए 120 यूनिट सेल करने पे हमें हमें इनकम मिली है, हमारा रेवेन्यू था 1200, लेकिन हमारा एक्चुअल रेवेन्यू 1200 से ज्यादा है, हमारा एक्चुअल रेवेन्यू 1200 से ज्यादा है। अगर हमारा एक्चुअल रेवेन्यू 1200 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि हमने जो ये क्वांटिटी सेल की है वो 10 से ज्यादा रेट पे की है, तो इस वजह से ये हमारे लिए फेवरेबल है। अगर हमने ये 120 यूनिट्स 10 से कम रेट पे सेल किए होते, जी एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है, बेचे तो हमने 120 यूनिट्स ही है ना, हमने असल में जो क्वांटिटी सेल की है वो 120 यूनिट्स की है। अब अगर हम स्टैंडर्ड रेट 10 के ऊपर सेल करते तो हमारा रेवेन्यू कितना होना चाहिए था 1200, लेकिन हमें एक्चुअल में जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है वो 1200 से ज्यादा है, 1450 है। अब 1450 रेवेन्यू ये भी 120 यूनिट्स पे ही है,
तो इसका मतलब ये वाई इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमने 10 से ज्यादा रेट पे इसको सेल किया है। अब है जी इसका वॉल्यूम वेरियंस। सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस ये काइंडली ये जो भी आप में से लिख रहे हैं स्क्रीन पे काइंडली ये रिमूव कर दें, ये टिक मार्क्स जो भी आप में से लगा रहा है। अच्छा लिसन, अब हम इसमें निकाल रहे हैं सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस, क्या निकालने लगे हैं सेल्स का वॉल्यूम वेरियंस। हमारा बजट ये था, यानी कि हमारा एस्टीमेट ये था कि हम क्वांटिटी सेल करेंगे 100 यूनिट्स। हमारा टारगेट था कि हम कितने यूनिट सेल करेंगे, 100 यूनिट्स। हमने जो क्वांटिटी सेल की है वो 120 यूनिट्स। हमने असल में जो यूनिट सेल की है वो कितने, 120। इसका मतलब है कि हमने 20 यूनिट्स अपने टारगेट से ज्यादा सेल कर लिए। जी साहिद साहब आप आवाज आ रही है, मैंने ये कहा कि हमारा बजट ये था कि हम 100 यूनिट सेल करेंगे, लेकिन हमने असल में जो यूनिट सेल किए वो 120 यूनिट्स, यानी कि हमने अपने टारगेट से ज्यादा क्वांटिटी, अपने बजट से ज्यादा क्वांटिटी सेल कर दी। अब हमने बजट से 20 यूनिट ज्यादा सेल किए तो ये हमारे लिए फेवरेबल साइन है, यानी कि इसमें हमारे लिए ये फायदा हुआ है कि हमने ज्यादा क्वांटिटी सेल किया, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है, पॉजिटिव बात है। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि ये 20 यूनिट से ये वेरियंस हमारा क्या है, ये वेरियंस हमारा 20 यूनिट से फेवरेबल है। ये वेरियंस हमारा 20 यूनिट से क्या है, फेवरेबल है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने ये 20 यूनिट ज्यादा सेल किए हैं अपने बजट से, तो इन 20 यूनिट्स को ज्यादा बजट से ज्यादा सेल करने से मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो हम देखेंगे कि मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है, और अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिर देखेंगे कि इसका मेरे कंट्रीब्यूशन पर क्या फर्क पड़ रहा है। यानी कि अगर तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अगर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिर मैं इसमें देखूंगा कि मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, लेकिन अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे कंट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। एब्जॉर्प्शन है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और अगर मार्जिनल है तो फिर मेरे कंट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हम इसको करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करने हैं तो फिर इस 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जी इज दैट क्लियर और नॉट। अब इसके लिए हमें पहले स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट बड़ा आराम से हम इसमें निकाल लेंगे। हमारी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 10 है माइनस स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट 7, तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकल आएगा 3 रुपीज पर यूनिट। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग तो उसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 10 माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट 6, तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 4 पर यूनिट। अब अगर तो हम यूज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट हमारे पास कितना है, 3 रुपीज पर यूनिट। इसका इंपैक्ट हमारे पास अमाउंट में टोटल निकलेगा 60 रुपीज। कितना इंपैक्ट निकलेगा, 60 रुपीज से ये फेवरेबल है। और अगर हमने इसको किया मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इससे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन जो कि हमारे पास निकला था 4 पर यूनिट। तो ये हमारे पास निकला 80 रुपीज से फेवरेबल। सेल्स वॉल्यूम is the only variance which has different value in absorption and marginal costing, यानी कि ये वाहिद वेरियंस है जिसकी वैल्यू एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट आती है। ये चीज ध्यान में रखें, ये वाहिद वेरियंस है जिसकी वैल्यू एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या आती है, डिफरेंट आती है। और उसकी वजह यह है कि जो हमारे वॉल्यूम में जो इम्पैक्ट आया सेल्स वॉल्यूम में, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे देखा जाता है, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट फिर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखा जाता है। जी इज इट क्लियर और नॉट, डन हो गया जी। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की बुक में ये 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 14 और 15 जो है ये तो सेल से रिलेटेड है, सेल वेरिएंस से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 14 और 15 जो है ये तो सेल्स वेरिएंस से रिलेटेड है, लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16 ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, यानी कि इसके अंदर आपने सारे वेरियंसेस निकाल लिए। और स्टूडेंट्स ये लाजमी आप लोगों ने ये एग्जाम्पल जो है ये करके आनी है कल, क्योंकि जो आपने इस एग्जाम्पल नंबर 16 में करके आना है, मैंने इसकी बेस पर फिर आगे आपको ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट करवानी है। तो ये कल लाजमी आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 16 हर स्टूडेंट ने की हुई हो,
मतलब आप कल कोई आके ये ना कहे कि ये जी मैंने नहीं किया, जो भी मसले हैं ये मुझे कल मत सुनाइएगा। ये मैं आपको एक दफा एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, एग्जांपल बहुत इजी है। ये देखेंगे एग्जांपल नंबर 16 है, सिडनी लिमिटेड के नाम से, सिडनी लिमिटेड के नाम से ये एग्जाम्पल है। इसमें उसने आपको सारे स्टैंडर्ड्स बताए हैं, जैसे मटेरियल का स्टैंडर्ड गिवन है, लेबर का स्टैंडर्ड गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है ये बता रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे हैं ये इसने बताए हैं, और फिर इसने यहाँ पे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस बताए हुए। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने आपको एक्चुअल सेल्स यूनिट्स बताए हैं, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं और एक्चुअल सेल्स यूनिट्स भी गई हैं, और ये इनके ऊपर हमारी कॉस्ट लगी है। और इसके अलावा इसने आपको क्वेश्चन में बजटेड सेल्स और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट भी बता दिए, ये इसके बजटेड बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स हैं जो इसने बताए, और ये जो है ये इसके एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स हैं, ये इसके एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स हैं। गॉट इट जी? आप लोगों ने ये इसमें ये सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, मटेरियल का वेरिएंस, लेबर का वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस, सेल्स का वेरिएंस, ये निकाल के कल आप लोगों ने आना है। कल हम लोग इसकी एक तो ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बननी है, क्या करना है इसमें, और उसके साथ कल का हमारा ये रिवर्स और बैकवर्ड वेरिएंसेस भी हम लोगों ने करने, और बाकी जो इस चैप्टर की थोड़ी बहुत जो थ्योरी रह गई है वो हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे। जी एग्जाम्पल टू, एक सेकंड ठहरिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जी आसान, एग्जाम्पल टू में कहाँ इशू है? एग्जाम्पल टू में क्या प्रॉब्लम है? क्लोजिंग स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है? देखिये, आपने जो परचेज किया था वो 6000 मीटर्स था जी, 1000 हमारा, यानी 1000 क्लोजिंग होगा, 2000 कैसे हो गया, 1000 होगा क्लोजिंग है। थाउजेंड उसका क्लोजिंग है, 2000 कैसे हो गया? वो इसी थाउजेंड की बात कर रहा है ना, कि आपका स्टॉक लेवल 1000 से इंक्रीज हो गया, यानी कि 1000 का इजाफा हो गया, 1000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, वो इसी थाउजेंड की बात कर रहा है।
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इसको करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी क्वांटिटी परचेज्ड। अब क्वांटिटी परचेज्ड आपकी 6000 है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट रेट इसका क्या जी 3, ये वैल्यू 18000 आई, जबकि एक्चुअल जो मटेरियल कॉस्ट है वो 18600 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 से ये एडवर्स है। अब जब हम इसको करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। क्वांटिटी यूज्ड हमारे पास 5000 है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 15000 बनता है, और जबकि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्योंकि ऊपर हमने क्लोजिंग स्टॉक को किया था 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दू, तो ये 3000 से एडवर्स ही निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जरा। एवरेज मेथड नहीं इसमें आएगा, एवरेज फाइफो एफको की एप्लीकेशन कोई नहीं है, बस इतना है कि एक्चुअल कॉस्ट है। ओके जी, कल अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।